हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं और आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में, 99% आएगा ही। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आप हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हिंदी में 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर हम लोग गद्यांश पद्यांश सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला प्रश्न है कि उपन्यास जो है भूले विसरे चित्र, जो ये भूले विसरे चित्र है, ये एक उपन्यास विधा पर है। ठीक है, के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या है? प्रेमचंद्र खा है, भगवती चरण वर्मा, एंड गा है यशपाल या वृंदावन वर्मा। तो डियर स्टूडेंट, जो उपन्यास है भूले बिखरे या विसरे आपके चित्र के, उसके हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है स्टूडेंट? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है, और अगर आपने इस पर टिक लगाया तो आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, आपको OMR सीट दिया जाएगा। OMR सीट में आपको सही ऑप्शंस पर गोला करना होगा। OMR सीट कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। ठीक है, अभी आप जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं उसको तैयार कर लेना। कमल की सिपाही, कमल का सिपाही के लेखक कौन है? का ऑप्शन है अमृत राय, या खा है गुलाब राय, या फिर हमारे मुंशी ईसा अल्लाह खां, या वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चों, जो कलम का सिपाही है उसके लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ठीक है, कलम का सिपाही, देखो कलम जो है एक अमृत रूप होता है, क्योंकि कलम, अगर आप कलम का साथ दोगे, कलम से प्यार करोगे, तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो अमृत यानी कि कलम, तो कलम का सिपाही का जो लेखक है वो है अमृत राय जी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस युग का उपन्यास है? देखो, गोदान सबसे पहले ये समझ लो कि एक उपन्यास है, विधा है। अगर गोदान किस विधा पर है तो याद रखना दोस्त, उपन्यास विधा पर है। अब इसके लेखक कौन है तो याद रखना, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अब आपको युग पूछे तो कौन सा बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? शुक्ल युग, या खा है शुक्लोत्तर युग, या फिर द्विवेदी युग, या आधुनिक काल युग। तो स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो शुक्ल युग से है, गोदान जो है वो शुक्ल युग का है। ठीक है, शुक्ल युग का उपन्यास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जाओ और आपकी बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठो, जितना बता रहे उसको नोट्स करो, नोट्स बना के बाद पढ़ो, सुबह उठकर अच्छे से याद करो, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। जो लहरों के राजहंस है उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेम घन, या गुलाब राय, या रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, जो लहरों के राजहंस है ना, लहरों के राजहंस, देखो लहरों का राजहंस में दो नाम आता है, तो मोहन राकेश में भी दो नाम आता है, तो मोहन राकेश जो है वो लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तैयार कर लेना, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं तैयार कर लेना। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृति कंकाल के लेखक हैं, जो हमारा कृति कंकाल है, कंकाल, कंकाल के लेखक कौन है? देखो, जो कृति कंकाल है, आंसू है, झरना है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इन सब के लेखक हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी कम उम्र में काफी अच्छा करके गए थे, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां किया था, बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए थे, जो सबको पसंद आया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर क्या है? निबंध, या उपन्यास, या डायरी, या कविता। तो मेरे दोस्त, जो सूरज का सातवां घोड़ा है वो हमारा उपन्यास विधा पर आधारित है। किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर। ठीक है, समझ में आ रहा ना हर एक क्वेश्चंस? नोट करो, याद करो, बार बार वीडियो को देखो, ना समझ में आए, ठीक है, ना समझ में आए दोबारा वीडियो को देखो। देखो, अगर आप पूरा समझ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, या आचार्य हजारी प्रसाद उर्वी, या आचार्य देव, या भिखारी दास। तो बच्चों, जो हमारा रसिक प्रिया है, इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचनाकार हैं, वो हैं आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, कि रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य केशवदास जी। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये आपको भटकाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा, सारे बच्चे इसमें भटक जाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो भाई भटकना नहीं है, पढ़ना है अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखो, निम्न में प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी, अब दो बतानी है, बच्चे ये सोचते हैं हमें दो पर टिक लगाना है, OMR शीट पर दो ऑप्शन पे गोला करना है, तो हाँ
सही है। आपको दो गोले करने हैं, दो आपको ऑप्शंस बताने हैं, जैसे घोर वैश्विकता यथार्थवादी दृष्टिकोण या समाज का यथार्थवादी चित्रण या नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। देखो ऑप्शंस आपके अगर दो होंगे तो ये लिखा रहेगा कावा खा दोनों या गा और घा दोनों, बट इसमें नहीं है तो इसमें आप ध्यान रखना। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है, ऐसे भी आया है तो याद रखना, ठीक है, घोर वैश्विकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। साकेत महाकाव्य एक बहुत बढ़िया महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की है, मैथिली शरणगुप्त, हरिओध या जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया है, मैथिली शरणगुप्त जी ने, किसने किया है, मैथिली शरणगुप्त जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 समझो यहां। क्वेश्चन नंबर 10 है छायावाद के अस्थायी कवि हैं, जो छायावाद है उसके अस्थायी कवि कौन है मेरे दोस्त, अस्थायी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध या हरिवंश राय बच्चन, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यनग्गे या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं ये छायावाद युग के आस्थावादी कवि हैं, ठीक है, आस्थावादी है सॉरी। निम्न में से छायावाद युग का कवि है, देखो कवि और लेखक अलग अलग होते हैं, छायावाद युग के कवि अलग हैं लेखक अलग हैं, तो कवि बताना है। तो छायावाद युग के कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत या नरेंद्र शर्मा या दादू दयाल या कुतुबन। तो जो छायावाद युग है उसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है सुमित्रानंदन पंत, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि के नाम बताइए। रीतिकाल जो हमारी रीतिकाल है उसके प्रमुख दो कवियों का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, विहारी, विकल्प का खा दोनों या सूरदास। देखो तो अगर कहीं भी विकल्प का खा दोनों गा घा दोनों तो वो ऑप्शन 90% आशा होता है कि सही होता है, क्योंकि उस ऑप्शंस को लिखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत किया है तो जहां तक ख्याल है वो सही ही होगा। तो यहां भी वही चीज है कि हमारा पद्माकर और विहारी दोनों है रीतिकाल के प्रमुख कवि, तो इसलिए काखा दोनों हमारा सही हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, अगर इस टाइप का आए और आपको नहीं पता हो आंसर तो लगा देना सही रहेगा लगभग। देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, यामा के रचयिता का नाम, यामा के रचयिता का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या अशुभ वाजपेयी। तो भैया यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है, किसकी है, महादेवी वर्मा जी की रचना है, याद रखना, ठीक है। अगला तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो स्टूडेंट जो तीसरा सप्तक है वो हमारा 1959 में प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था 1959 में। तो ऑप्शन नंबर खा सही है, ठीक है। आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर टॉपर बन ही जाओगे हिंदी के। 15 नंबर है शुक्लोत्तर युग का समय सीमा है, जो शुक्लोत्तर युग है उसका समय सीमा कब से कब तक है, 1938 से 1980 तक, 1850 से 1900 तक या 1900 से 1920 तक या फिर हमारा 1936 से 1947 तक। तो बच्चों शुक्लांतर युग शुक्लोत्तर युग है, तो हमारा कौन सा सही होगा, 15 नंबर क्वेश्चन, 1938 से 1980 तक, ठीक है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र किस विधा की रचना है, जो बच्चों त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है, जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। तो जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है, त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है, किस विधा की है, उपन्यास विधा, ठीक है। तैयार हो जाएगा ना सारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो बच्चों अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, कौन है, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लहरों के राजहंस के लेखक, बच्चों ये तो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, मतलब रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लो, मोहन राकेश। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं हमारे रस मीमांसा के लेखक। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे और उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, अतीत के चलचित्र इसके लेखक कौन है,
आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर देना। ये 20 ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बोर्ड तो यहाँ पर प्यारे साथी मैंने पहला गद्यांश लिया है, और पहले हम क्या होता है कि जब परीक्षा में आपके सामने गद्यांश दिया जाए तो पहले हमें उसे थोड़ा पढ़ना है कि आखिर ये गद्यांश किस अध्याय का है, क्योंकि हमें पहचानना होता है कि किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ के राइटर यानी कि उस अध्याय के लेखक कौन है। तो इन सब के बारे में हमें पहले जानना होता है। तो उसके पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इसे पढ़ना होता है। आपको गद्यांश दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे जब आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये या लगा हुआ है, चाहे आपसे ये कहे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तब भी आपको ये संदर्भ ही लिखना है, या डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, संदर्भ ही लिखना है। इसके बाद आपसे पूछता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। रेखांकित क्या है, आप इसमें देखेंगे जो पैराग्राफ के नीचे लाइनिंग है, इसके नीचे यानी मैंने रेखांकित किया है, यानी नीचे लाइन खींची है। तो जितने में ये कलरफुल लाइन खींची हुई है, एग्जाम में आपको डार्क ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन मिलती है, तो जितने यानी कि जितने पैराग्राफ तक इसमें खींचा हुआ है उसकी आपको क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है अच्छे से। फिर उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हमें आंसर देना होता है। तो इन सबको जानने से पहले, इनका संदर्भ लिखने से पहले हमें थोड़ा सा इसे पढ़ लेना है कि आखिर हम पहचान तो लें कि ये किस अध्याय से लिया गया है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि आखिर ये किस अध्याय से लिया गया है। तो चलिए रीडिंग लगाते हैं इसकी प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। क्या है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषध है। पहले मैं वैसे आपको एक बार रीडिंग लगवाऊंगा, फिर अच्छे से बताऊंगा। फिर कह रहा है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। फिर कह रहा है कि सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता, यहाँ पर आपको एक शब्द मिला है मित्रता, यानी कि जब किसी भी पैराग्राफ में ऐसा आपको मिलेगा कि मित्रता, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हिंदी गद्य खंड का एक अध्याय है जिसका नाम है मित्रता। और मित्रता के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो जैसे देखिए पैराग्राफ में अगर उससे रिलेटेड कोई भी शब्द आपको मिल गया यहाँ पर मित्रता अध्याय, इस अध्याय में यही खास बात है कि जब भी आपको किसी भी पैराग्राफ में मित्रता, सच्ची मित्रता, इन संगत, इन सब की बात नजर आए, तो आपको ये पहचान लेना है कि ये मित्रता से ही लिया गया होगा। इसके बाद कह रहा है कि मैं उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, यानी जो सच्चा मित्र होता है उसमें उत्तम वैद्य के जैसी निपुणता और परख होती है, और अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य होता है, यानी कि जो अच्छे से अच्छी माता होती है उनके इतना धैर्य भी होता है और कोमलता भी होती है। जो आपका सच्चा मित्र होगा वो आपसे एकदम, जब आप दुखी होते होंगे तो एकदम माँ की तरह, जैसे माँ आपको समझाती है कोई कष्ट होता है उसी तरह आपको समझाता है। तो अगर कोई ऐसा मित्र आपके पास है, इसके कहने का मतलब है, तो वो आपका सच्चा मित्र है। फिर कह रहा है कि ऐसी ही मित्रता, यहाँ पर एक शब्द फिर आया है मित्रता, जब बार बार ये आने लगे या मित्र, तो समझ लीजिए ये मित्रता से लिया गया है। मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, यानी कि जो बताया गया है कि जिस तरह यहाँ पर उल्लेख किया गया है, और अंत में बताया है कि ऐसी मित्रता मनुष्य को करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ, हमें पता चल गया है कि ये मित्रता अध्याय से लिया गया है, और उसके राइटर यानी कि लेखक हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक पेज ले लिया है और यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इन दोनों में आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। आप ये भी कि पूछा जाए तो आप संदर्भ लिख सकते हैं कि गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम किस में आता है, संदर्भ में ही आता है। अब हम कैसे लिखेंगे प्यारे साथी, आपको ऐसे ब्लैक स्केच से या पेन से, ब्लैक वाली पेन से संदर्भ लिखना है, फिर नीचे अंडरलाइन करनी है ब्लैक स्केच से। यहाँ पर मैंने रेड क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आया इसलिए मैंने इफेक्टिव कलर डाला है, लेकिन आप वहाँ पर एग्जाम में क्या करेंगे, ब्लैक कलर डालेंगे। फिर हम लिखेंगे प्यारे साथी संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश ही तो है और हमें संदर्भ बताना है कि आखिर ये गद्यांश क्या है, कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर यानी कि लेखक कौन है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, एकदम ध्यान से समझिएगा किस तरह लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आपको ऐसे ही अच्छी राइटिंग में लिखना है प्यारे साथी, हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, विषय क्या है हमारा, हिंदी है। ऐसे आपको फिर ब्लैक पेन से लिखना है। देखिए क्या होता है कि जब हम लाइन में लिखेंगे, जब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे तो ब्लैक से लिखेंगे, राइटर यानी कि लेखक का नाम लिखेंगे तब भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, तो जिससे क्या होता है थोड़ा हाईलाइटेड होता है और आपको एग्जाम में अंक भी ज़्यादा मिलते हैं। तो कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, किसके गद्य खंड के, अब यहाँ पर गद्य खंड की बात कही गई है, जो हम गद्य खंड पढ़ते हैं वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो हम लिखेंगे कि हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, मित्रता, मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, नामक अध्याय से लिया गया है, लिया गया है या संकलित है कुछ भी ले सकते हैं, लिया गया है जिसके लेखक या जिसके रचयिता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, उसे भी ब्लैक पेन से लिखना है, आचार्य राम चंद्र शुक्ल जी हैं। प्यारे साथी हमने संदर्भ लिख दिया है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा, एक बार रिवाइज करिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने सबसे सरल भाषा में लिखाया है, इसे आपको पढ़कर ही याद होना चाहिए। क्या मैंने लिखा है, एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने प्रश्न संख्या दो की, तो वो कह रहा है कि रेखांकित अंशों की क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। अब ये रेखांकित अंश क्या है प्यारे साथी, तो आप ध्यान से समझिएगा, ऊपर देख लीजिए तो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर रेखांकित अंश है कि रेखांकित अंश लिखा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, यानी कि इसकी व्याख्या करनी है, और अच्छी से अच्छी तरह माता का धैर्य होता है, माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, और ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब हमें इसे व्याख्यांकित करना है, यानी कि इसको व्याख्या यानी कि सरल शब्दों में लिखना है, व्याख्या का मतलब होता है सरल शब्द में लिखना। तो चलिए अब हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, रुकिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो चलिए अब हमने यहाँ पर जूम कर लिया है और अब हम बात करते हैं, तो रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी थी, तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं प्यारे साथी। तो कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है
कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती, जो हमारी सच्ची मित्रता होती है उसमें मतलब बड़े से बड़े वैद्य की निपुणता होती है और परख होती है। अब इसे हम आसान शब्दों में कैसे कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, कभी भी आप व्याख्या करिए तो उसके पहले राइटर का नाम लिखकर ये जरूर लिखिए कि इनके अनुसार या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह एक कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है। आपने देखा होगा कि जो वैद्य होते हैं आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, आपने गांव में भी देखा होगा कि कई वैद्य आते हैं या बुढ़े से भी होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ नाड़ी देखते हैं और बता देते हैं कि आपके अंदर क्या बीमारी है, किस चीज़ की कमी है। बुखार होगा तो बता देंगे बुखार है, पेट दर्द होगा पेट दर्द भी बता देंगे, यानी कि नाड़ी को सिर्फ वो नाड़ी देखकर बता देते हैं कि आपको कौन सा रोग हुआ है। जो आयुर्वेद के विद्वान होते हैं उन्हीं को हम वैद्य भी कहते हैं। तो जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों की परख लेता है। यानी कि जिस तरह जो लेखक है वो कहना चाहता है कि जिस तरह एक कुशल वैद्य नाड़ी देखकर रोग का पता तुरंत लगा लेता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपका कोई सच्चा मित्र है तो आपके गुणों और दोषों का वो परख कर लेगा, यानी कि उसके बारे में पता लगा लेगा। फिर कह रहा है कि अगर हम व्याख्या करें तो जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, ये लाइन किसकी व्याख्या है आप देखेंगे, तो कहा गया है कि जो मित्र होता है सच्चा, आगे कहा गया है कि अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है, यानी कि अच्छी से अच्छी माता जैसा धैर्य और कोमलता होती है। तो इसे एक्सप्लेन किया गया है कि जिस तरह या जिस प्रकार एक अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, यानी कि माँ तो एकदम ममता भरा व्यवहार करती है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के सन्मार्ग पर लगाता है या लाता है। प्यारे साथी, तो जो राइटर है यानी कि जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उन्होंने क्या किया है कि माता से तुलना की है मित्र की, कि यहाँ पर और बताया है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र के साथ मधुर व्यवहार करती है, ममता से बोलती है, कोमलता से, और उसके कष्ट पड़ने पर उसकी सहभागी बनती है, उसके कष्टों का निवारण करती है, तो ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र धैर्यपूर्वक जब आप किसी गलत पथ पर चलेंगे, यानी कि अगर आपका कोई अच्छा मित्र है और आप साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी गलत मार्ग पर जाएंगे तो वो आपको टोकेगा, कहेगा कि पढ़ाई कर लो, तो उसी प्रकार यानी कि वो हमें अपने सतमार्ग से भटकने नहीं देता, लेकिन संगत का असर होता है। प्यारे साथी, मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर अच्छा मित्र होगा तो आपको सन मार्ग पर ले जाएगा, और अगर वो बुरा मित्र होगा तो आपको कुमार्ग पर ले जाएगा। तो मित्रों का चयन भी कोई वैसा नहीं होता, हमें सोच समझकर मित्र बनाने चाहिए। कवि का आशय यह भी है, यानी कि लेखक जो है वो यह भी कहना चाहता है। फिर कह रहा है कि अतः हमेशा हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए, आगे यही कह रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें हमेशा ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। मैंने अभी अपने शब्दों में बताया कि हमें मित्रों को भी सोच समझकर चुनना चाहिए और मित्र भी सोच समझकर बनाने चाहिए कि मित्र अच्छा हो। अगर मित्र अच्छा होगा तो आप तरक्की करेंगे, आप सतमार्ग पर चलेंगे और पढ़ाई में भी तेज होंगे, और मित्र बुरा होगा तो आपको कुमार्ग की ओर ले जाएगा। जिस तरह जैसे आप देखते होंगे कि कई बच्चे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं चलो ये कर लो वो कर लो, तो ऐसे मित्र नहीं बनाने हैं। ऐसा मित्र बनाना है कि खेलो कूदो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम है तो आप सिर्फ पढ़ते रहो दिन भर, लेकिन जब तक पढ़ो सीरियस होकर पढ़ो, और जब आप पढ़ने बैठो तो मित्र ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ बैठकर पढ़े और आपकी हेल्प करे। अब इसके बाद प्यारे साथी व्याख्या ऐसी हो जाती है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है सारी चीज़ें। व्याख्या आपको रटकर नहीं जानी है, आपको अपने मन से अपने भाव के अनुसार व्यक्त करना है सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रश्न सा कह रहा है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। अब इसका आंसर अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, तो आप देखेंगे जो विश्वास पात्र मित्र होता है उसकी तुलना लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना
औषधि से की है। जिस प्रकार औषधि बीमारी और विकारों से निजात दिलाती है, ठीक उसी प्रकार एक विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान बुरे मार्ग पर चलने से बचाता है। यानी कि जिस प्रकार औषधि यानी कि जो मेडिसिन आप बीमार होते हैं लेते हैं तब आपकी तबीयत सही हो जाती है, उसी प्रकार जैसे औषधि बीमारी और विकारों से हमें बचाती है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र जब भी हम किसी बुरे मार्ग पर चलते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो वो हमें समझाता है कि ये मत करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है, और आप इतना भी लिख सकते थे, और थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि जिस प्रकार औषधि बीमारी से बचाती है हमें, ठीक उसी प्रकार एक विश्वास पात्र मित्र हमें बुरे मार्ग पर चलने से बचाता है। तो आई होप आपको ये वाला गद्यांश बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं पद्यांश की ओर एकदम बेहतर तरीके में। इसके बाद अब हम बात करेंगे पद्य, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्य है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप देखेंगे चाहे 16 का एग्जाम हो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ तक कि सारे एग्जाम में 23 में भी पूछा गया है ये। तो ये लगातार पूछे जाने वाले गद्यांश पद्यांश हैं, यानी कि यूपी के किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर पहले सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ लेना है जो लाइन लिखी गई, जो पद्यांश लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुन बोलय, रंक चलय सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। प्यारे साथी, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगर पहचानना पड़े कि किस अध्याय से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये, तो बहुत अगर कोई छात्र बहुत कम भी पढ़ा होगा, अगर उसने एक दो दिन पहले थोड़ी बुक उठा ली होगी, तो उसे भी पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि ये इतना आसान है कि इसकी कविता में ही इसका आंसर है। जो पद्य लिखा हुआ है यहाँ पर पद, उसी में इसका आंसर है। प्यारे साथी, क्या आंसर है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास का नाम प्रयुक्त है इस पद्य में, यानी कि ये पद्य सूरदास वाले अध्याय से है, यानी कि ऐसे अध्याय से है जिसके जो लेखक यानी कि कह सकते हैं रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। अब सूरदास जी किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर आपके बुक में है सूरदास जी का? तो प्यारे साथी, पद चैप्टर है। तो तुरंत हमें पता चल गया कि ये पद चैप्टर से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब हमें देखिए, आपको ध्यान से समझना होगा मेरे प्रिय छात्र या साथी, हमें ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर तीन प्रश्न दिए गए हैं। पहला कहा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश की सा संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, यानी कि सा संदर्भ यानी कि संदर्भ भी बताना है, प्रसंग भी बताना है, और इसकी व्याख्या भी करनी है। उसके बाद कह रहा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर कह रहा है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। प्यारे साथी, ये क्वेश्चन 6 अंक का है। अगर आपने इतना आंसर दे दिया तो आपका 6 अंक एकदम कंफर्म हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम के लिए 6 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस वीडियो के देखने के बाद मैं कहता हूँ कि अब की बार आखिरी बार फिर आपको इसे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम संदर्भ लिखेंगे इसका। तो चलिए संदर्भ लिखते हैं। अभी मैंने गद्यांश वाला संदर्भ लिखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा, बस गद्यांश की जगह पद्यांश आ जाएगा बस। अब हम लिखना चालू करते हैं प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, अच्छी राइटिंग में ऐसे आपको संदर्भ लिखना है, और फिर ब्लैक स्केच से आपको अंडरलाइन करनी है। मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए रेड से किया, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ ब्लैक स्केच ही उपयोग करना है। अब हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक
इसके बाद क्या आएगा प्यारे साथी, हिंदी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड किससे लिया गया है, काव्यखंड यानी कि पोएट्री से लिया गया है। तो हिंदी के काव्यखंड, काव्यखंड भी हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, काव्यखंड। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक, किससे, पद नामक अध्याय से लिया गया है, अध्याय से लिया गया है, लिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता भक्त कवि या भक्त शिरोमणि भी कह सकते हैं, भक्त कवि सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास, सूरदास जी हैं। अब प्यारे साथी कैसे हमने लिखा, आपको ये याद होना हो जाना चाहिए, आपको बस इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना है, उसके बाद आपको हिंदी तो हमेशा रहेगा, काव्यखंड पद्यखंड, ये काव्यखंड गद्यखंड चेंज होता रहता है अध्याय के नाम, और राइटर जो होते हैं यानी कि पोएट होंगी उनका नाम चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संदर्भ, तो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक अध्याय से लिया गया है, जो चैप्टर का नाम है वो पद है, और जिसके रचयिता कौन है, भक्त कवि सूरदास जी हैं। अगर आपको चैप्टर का नाम याद है और जो रचयिता हैं उनका नाम नहीं याद है, तो इसी में दिया गया है, प्रश्न में ही उत्तर है कि सूरदास इसके रचयिता हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रसंग की बात करी गई है, तो प्रसंग की बात करें प्यारे साथी, तो इस पद में यानी कि जो ये पद है इसमें भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की क्या की है, वंदना की है। ये चैप्टर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के रूप ऊपर ही है और उनके बाल लीलाओं कई चीज़ों का वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो इस जो ये आपको पद्यांश दिख रहा है ऊपर, वो किस पर है, श्री कृष्ण जी के महिमा का वर्णन किया है सूरदास जी ने, और यही इसका प्रसंग होगा, यानी कि जो निष्कर्ष होता है यानी कि क्या बताया गया है उसे हम प्रसंग में लिखते हैं, कि आखिर किस टॉपिक पर चर्चा की गई है उसे हम प्रसंग में लिख देते हैं। अब इसके बाद व्याख्या करनी है प्यारे साथी, तो व्याख्या चलिए इसकी करते हैं। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, अगर हम बात करें तो कह रहा है कि चरण कमल बंदव हरि राई, यानी कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा है कि चरण कमल बंदव हरि राई, जिसमें चरण मिस चरण हो गया, पैर हो गया, कमल यानी कि कमल रूपी चरण की वंदना करते हुए उन्होंने कहा है, कि उन्होंने सूरदास जी ने कहा है, प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, कि कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि जिसकी कृपा से जो लंगड़ा होता है वो भी पर्वत को लांग ले, जिसकी कृपा से, आप नीचे देखेंगे तो मैंने लिखा है विस्तार में, कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। क्या कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा है यानी कि उनके चरणों की जो महिमा है वो बहुत व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग सकता है, यानी कि अगर भगवान श्री कृष्ण की किसी पर कृपा हो जाए, समझ लीजिए कि भगवान, भगवान ईश्वर, ईश्वर इसीलिए उन्हें कहा गया है कि उनकी कृपा होने से क्या होता है कि जो असंभव है, लंगड़ा का व्यक्ति कभी पर्वत लांग नहीं सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का प्रभाव ही ऐसा है कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग सकता है, यानी कि लांग लेता है,
और फिर आगे कहते हैं प्यारे साथी, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी कि जो जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं या अंधे होते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी व्यापक है कि उनके आशीर्वाद से ही अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनेकों अनोखे प्रभाव के कारण आगे कह रहे हैं कि बहिरो सुने गूंग पुन बोले रंक चले सिर छत्र धराई। क्या कह रहा है कि बहिरा भी आगे कह रहे हैं सूरदास जी कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति क्या करने लगता है, सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की महिमा इतनी व्यापक है कि उनकी एकमात्र कृपा यानी कि आशीर्वाद से क्या होता है कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है पुनः। अब इसके बाद चलते हैं आगे की लाइन की जो व्याख्या करनी है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। फिर आगे हमने यहाँ तक कर लिया था कि बहिरो सुने गूंग पुन बोले और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक में सोता है गरीब यानी कि दलिद्र, जो गरीब होता है, जो धनवान नहीं होता। तो कह रहा है कि किसी दलिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने से वो राजा बनकर अपने सिर के ऊपर राज छत्र धारण कर चलता है या धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनकी कृपा होने से जो दलिद्र व्यक्ति है यानी कि जो गरीब है वो भी राजा बन जाता है और अपने शीश पर यानी कि अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलता है या धारण कर लेता है। राज छत्र आप जानते होंगे कि जैसे छतरी आपने देखी होगी, अम्ब्रेला जिसे कहते हैं, तो राजाओं के समय में वो स्वर्ण की छत्र होती थी जिसे राजा के पीछे एक व्यक्ति लेकर खड़ा होता था और राजा को क्या धूप न लगी, बरसात ना हो, तो राज छत्र या रथों पर भी राज छत्र लगे होते थे कि किसी भी चीज़ से बचा जा सके। तो वो सोने के होते थे प्रायः। तो एक गरीब व्यक्ति भी क्या करता है, राज छत्र धारण कर लेता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने से। फिर कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। यानी कि कह रहे हैं सूरदास जी की, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की या भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे प्रभु की वंदना तो हर कोई करना चाहेगा, और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी ना तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लिख दीजिएगा या कुछ भी सजेस्ट कर दीजिएगा, सर ये वीडियो बहुत पसंद आई है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आगे जो तीसरा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। तीसरा प्रश्न है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। मेरे प्यारे साथी आप ध्यान से समझिएगा, तो सूरदास स्वामी यहाँ पर सा सा दो बार आया है, और जहाँ पर क्या होता है कि अक्षरों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, और यही आपका आंसर हो गया है। तो प्यारे साथी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो पद्य बताए हैं जिससे आपके 12 अंक एकदम क्लियर हो गए हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।